हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज की वीडियो में हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गुडविल क्या होती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट होती है, बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। ये एक फिक्टिशियस एसेट हम इसको नहीं बोल सकते। विच हैज सम रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि इसकी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होती है, यानी कि गुडविल को हम जो है सेल करके कुछ वैल्यू जो है उससे रियलाइज कर सकते हैं। अगर यदि हम अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल को देखते हैं तो गुडविल इज ए सेंस ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट करने का गुडविल जो है एक सेंस होती है, एंड हैविंग ए सेलेबल वैल्यू, यानी कि इसकी कोई सेलेबल वैल्यू होती है, यानी कि गुडविल को हम जो है वो सेल कर सकते हैं। सो देयरफॉर गुडविल मे बी सेड एन एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम रेपुटेशन, यानी कि गुडविल एक एलिमेंट है जो कि किसी फर्म की रेपुटेशन से जो है अराइज होता है, एंड कनेक्शंस, यानी कि जो फर्म के कनेक्शन है उनसे ये अराइज होता है, एंड एडवांटेजेस पोजेस्ड बाय ए बिजनेस विच फैसिलिटेट टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। यानी कि एक ये बिजनेस के लिए एक एडवांटेज होती है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ गुडविल एक कोई भी एक फर्म जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है। सो देयर आर मेनी सर्कमस्टांसेस, काफी सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि डिस्पोजिंग ऑफ बिजनेस, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, मर्जर ऑफ कंपनीज, टेक ओवर ऑफ कंपनीज, यानी कि काफी सारे बिजनेस के जो है सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप जो है गुडविल की आप वैल्यूएशंस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की कौन सी डेफिनेशन है। एज पर लॉर्ड लिंडले के अनुसार द टर्म गुडविल इज जर्नली यूज टू डिनोट बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। यानी गुडविल क्या है कि कोई भी बिजनेस के कनेक्शन एंड रेपुटेशन से जो अराइज होती है उसको हम जो है वो गुडविल बोलते हैं। अगर यदि लॉर्ड लिंडले की सेकेंड डेफिनेशन अगर यदि हम देखते हैं तो गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू ओल्ड प्लेस। यानी कि गुडविल जो है नथिंग, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी है कि जो है ओल्ड कस्टमर जो है ओल्ड प्लेस के ऊपर दोबारा जो है वो रिपीट करते हैं नहीं करते। तो अगर यदि हम इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली अगर यदि हम देखते हैं, दस द गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ कंपनी वन कंपनी बाय अनदर। यानी गुडविल क्या है कि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो उसमें कोई इंटेंजिबल एसेट को हम देखते हैं तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है उसको हम जो है गुडविल बोलते हैं। तो जो वैल्यू होती है यानी कि जो गुडविल है, द वैल्यू ऑफ कंपनीज ब्रांड नेम, यानी गुडविल जो है वो कंपनी का ब्रांड नेम भी हो सकती है, कंपनी के सॉलिड कस्टमर बेस भी हो सकता है, गुड कस्टमर रिलेशन भी हो सकते हैं, गुड एम्प्लॉय रिलेशन एंड पेटेंट्स, प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट सम एग्जाम्पल ऑफ गुडविल। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो है गुडविल को डिनोट करती हैं। तो ये कब आपकी अराइज होती है ये वाली चीज, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो वहां पर जो कंपनी के जो गुड्स जो चीजें अच्छी चीजें जो होती हैं वो सारी की सारी जो है वो गुडविल के रूप में कंसिडर करते हैं। अब इसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं गुडविल की। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, यानी गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इट इज नॉन विजेबल बट इट इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, यानी कि ये दिखाई तो नहीं देती लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, यानी गुडविल की वैल्यूएशन कब होती है, जब पूरे के पूरे बिजनेस को सेल किया जाता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सोल्ड लाइक अदर आइडेंटिफाइएबल सेपरेबल एसेट्स। यानी कि आप इसको सेपरेट करके आप सेल नहीं कर सकते, जब तक आप पूरे बिजनेस को या पूरी यूनिट को सेल नहीं कर सकते हैं, जब तक आप उस गुडविल की वैल्यू जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी बिल्ड बाय
अमाउंट इन्वेस्टेड और कॉस्ट इनकर्ड, यानी कि गुडविल को जो है आप अमाउंट इन्वेस्ट करके बिल्ड नहीं कर सकते। द वैल्यू ऑफ गुडविल हैज नो रिलेशन टू द अमाउंट इन्वेस्टेड और कॉस्ट इनकर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड इट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, यानी कि वैल्यूअर के जजमेंट के ऊपर ये बेस्ड होती है और ये हाईली सब्जेक्टिव होती है। यानी कि वैल्यूअर जो भी बिजनेस को परचेज करता है वो देखता है कि वास्तव में जो है फर्म की गुडविल या कंपनी गुडविल जो है वो कितनी है। इट इज ए सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन, गुडविल इज सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन। द वैल्यू ऑफ गुडविल मे फ्लक्चुएट वाइडली अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, गुडविल जो है कंपनी की जो है वो फ्लक्चुएट भी करती है। अगर यदि कंपनी के अंदर जो है फैक्टर्स अच्छे हैं तो कंपनी गुडविल अच्छी रहेगी, अगर यदि मान लीजिए किसी टाइमिंग में कंपनी के जो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं तो वहां पर कंपनी गुडविल जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए जो कंपनी की गुडविल जो है वो सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज अ पास्ट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन फ्यूचर विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि पास्ट का प्रॉफिट कैसा रहा है साथ के साथ जो है कंपनी के जो फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कैसे रहेंगे, ये दोनों चीजें जो है कंपनी की जो है गुडविल को इफेक्ट करती है। प्रॉफिटेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन वैल्यूइंग द गुडविल, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। द मेन एम्फेसिस ऑन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न, तो इसका जो सबसे मेन जो एम्फेसिस रहता है किसी भी कंसर्न के फ्यूचर प्रॉफिट के लिए रहता है। वेदर कंसर्न विल एबल टू इंक्रीज इन इट्स प्रॉफिट इन फ्यूचर और नॉट, यानी कि किसी भी कंपनी को जब कोई दूसरी कंपनी बाइंग करती है तो ये देखते हैं कि भी फ्यूचर कंपनी का कैसा है, कंपनी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, उसके बेसिस के ऊपर जो है कंपनी की वैल्यूएशन गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। इसके बाद सेकेंड चीज आती है रेट ऑफ रिटर्न, यानी कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न क्या है। एवरी पर्सन इन्वेस्टिंग इट्स फंड इन कंपनीज नीड्स ए फेयर रिटर्न दैट इज रेफर्ड टू रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, द रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर फैक्टर्स सच एज बैंक रेट्स, रिस्क, टाइप ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों के बेसिस के ऊपर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है कंपनी के अंदर कैसी है, अगर रेट ऑफ रिटर्न बेटर है इंडस्ट्री के अंदर तो उस कंपनी की वैल्यू जो है गुडविल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद जो है कैपिटल एम्प्लॉयड टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि कंपनी ने एक पर्टिकुलर प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना जो है कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उसके बेसिस के ऊपर भी जो है हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ये तीनों चीजें जो है आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल पोर्शंस में जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहां पर हम सिर्फ एक इसका बेसिस देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो है गुडविल को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण गुडविल की रिक्वायरमेंट की वैल्यूएशन की जाती है। तो सबसे पहला आता है बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यूएशन। सो द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ गुडविल इज वन प्रोसीजर ऑफ द एसेट बेस्ड अप्रोच टू बिजनेस वैल्यूएशन सच एज बिजनेस वैल्यूएशन आर रूटीनली परफॉर्म्ड फॉर टैक्सेशन, ओनरशिप ट्रांजेक्शन, फाइनेंसिंग, बैंकक्रप्सी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लिटिगेशन एंड अदर पर्पजेज। यानी कि आपको डिफरेंट जो है कॉर्पोरेट पर्पजेज सॉल्व करने के लिए आपको टाइम टू टाइम अगर यदि बिजनेस की एंटरप्राइज की वैल्यूएशन जो है वो करनी पड़ती है तो उस टाइमिंग में जो है आप गुडविल की वैल्यूएशंस करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डैमेज एनालिसिस, मान लीजिए कई बारी काफी सारे जो बिजनेसेस होते हैं बड़े बिजनेसेस में तो वहां पर जो है क्या होता है कि व्हेन ए बिजनेस हैज सफर्ड ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ए टॉर्ट सच एज इन्फ्रिंजमेंट, ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी, सो वन मेजर ऑफ द डैमेज सफर्ड द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एंटिटीज गुडविल। यानी कि कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया या इन्फ्रिंजमेंट है कंपनी के अंदर या ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटीज है या फिर इस तरीके से कोई भी कंपनी के अंदर डैमेज वगैरह होता है तो उसके कारण से जो कंपनी का जो लॉस होता है
और जो कंपनी की जो है गुडविल डैमेज होती है, तो उस चीज की वैल्यूएशन करने के लिए जो है वो कंपनी की जो है गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, कई बार कहते हैं दिस मेथड इज आल्सो यूजफुल फॉर क्वांटिफाइंग द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन लॉन्ग लेबर स्ट्राइक, ए नेचुरल डिजास्टर और ए सिमिलर फिनोमिनॉन। तो काफी सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर जो है कंपनी की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। इसके अलावा बिजनेस और प्रोफेशनल प्रैक्टिस मर्जर, व्हेन टू बिजनेस मर्ज द इक्विटी ऑफ मर्ज एंटिटी टिपिकली टू बी एलोकेट टू द मर्जर पार्टनर, यानी कि जो भी कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो आपके मर्जर पार्टनर की तरफ जो है ट्रांसफर की जाती हैं। तो वन कॉमन वे टू एलोकेट इक्विटी इन मर्ज एंटिटी इज ए पोर्शन रिलेटिव वैल्यू ऑफ एसेट कंट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूटेड गुडविल, यानी कि जब आप उस एसेट्स को आप जो है मर्ज जो मर्जर पार्टनर की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर एसेट्स भी ट्रांसफर करते हैं और जो है वो कंपनी की गुडविल भी ट्रांसफर करती है। तो जब आप कंपनी का जो है मर्जर्स वगैरह होते हैं या टेक ओवर्स होते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में जब जो है कंपनी किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है या मर्जर होते हैं, तो वहां पर आपको जो है गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि गुडविल के जो है वैल्यूइंग के काफी सारे मेथड्स होते हैं। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड है, थर्ड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड, फोर्थ परचेज कंसिडरेशन मेथड एंड फिफ्थ होता है एनविटी मेथड। तो ये सारे के सारे मेथड्स जो है हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।